वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक मॉडरेटर के रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं स्टेज पे हमारे जो पैनलिस्ट थे, बड़े इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट थे, गुलपनाह को लेके, सॉरी कैमरा लुक मैं बोल रहा हूँ, मैं सोचा सोच रहा मैं बोल रहा कैमरा रोलिंग तो बातें चालू कर दी है, फिर से लूँगा। वैसे इस कैंपेन के साथ, इस इवेंट के साथ मैं सिर्फ एक मॉडरेटर के एक रोल निभा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जैसे कि मेघना जो स्कूप की एक स्ट्रैटेजिस्ट है, फिर गुलपनाह जो एक एक्सट्रीमली आई मीन ग्रेट एक्टर, ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन नाउ। मेरे लिए गुल तो एक बाइक राइडर हमेशा रहेगी, शी राइड्स अ बाइक ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्लाइज अ प्लेन। कल्कि केकला जो एक्चुअली इस कैंपेन की फेस है, उनकी फ़ोटो भी वहाँ लगी है। आई थिंक शी इज़ एन इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट। एंड ऑफकोर्स संदीप चुग जो इस कंपनी के MD है, आई थिंक वो पैनलिस्ट है, वो अच्छी तरह से जुड़े हैं। लेकिन इनकी जो आइडियाज़ हैं, इनकी कैंपेन के जो आइडियाज़ हैं, मैं वाकिफ़ हूँ उससे। एंड आई थिंक आई स्टैंड बाई बिलीविंग दैट वीमेन एंड मैन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड वी शुड बी यूनाइटेड हाफ वे थ्रू। जाना चाहूँगा जिस तरीके से आज के टाइम में देश आगे निकलने के बावजूद भी अभी वुमेंस और मेंस में काफ़ी फर्क किए जाते हैं, इस पर आप क्या मेरे ख्याल से हमारे देश में पॉपुलेशन इतना बड़ा है, अगर एक आइडिया, जैसे कि गुल ने स्टेज में भी पॉइंट आउट किया था कि 3 जनरेशन लगते कि एक आइडिया को एक्चुअली इम्प्लाई होने में और एक बड़ा सा चेंज लाने के लिए। और हमारे देश में ज़्यादातर क्योंकि हम इतना अपना पॉपुलेशन जो इतना बड़ा है, तो एक आइडिया कहीं जर्म होता है, एक कोने में कहीं कोई एक आइडिया दे देता है और उस आइडिया को फैलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अब फ़िलहाल इस टाइप की चीज़ें कई सालों से डिस्कशन हो रही है। इसी टॉपिक में वुमेन एम्पावरमेंट में देखा जाए, इतना सप्रेशन हो चुका है इन द पास्ट की एक एक चीज़ को उठा के काम शुरू हुआ है, कुछ चीज़ सॉल्व हुए, कुछ चीज़ अभी भी सॉल्व होने बाकी है। तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, लेकिन बदलाव आ रहा है, तेज़ गति से आ रही है। आई थिंक कुछ सालों में सोचता हूँ कि अपने देश को सचमुच एक प्रोग्रेसिव देश सोचने के लिए सोच सकेंगे जब वुमेन एंड मैन विल बी ट्रीटेड इक्वली, जैसे कोई डिवाइड नहीं होगा दोनों के बीच में। वुमेन पर की बात करें तो बॉलीवुड की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा दबंगल कहलाई जाती है, जो बहुत अच्छी अच्छी मूवी करके इंडिया की सारी लड़कियों को अच्छा मैसेज दी है। हाल ही में आप उनके साथ शूटिंग कर रहे हैं नूर पिक्चर, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मूवी और कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम सोनाक्षी सिन्हा? नूर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही। आपके जो सवाल पहला सवाल था कि पिक्चर कहाँ तक पहुँची है, शूटिंग कम्प्लीट हो गई है और बहुत जल्द आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि 21 अप्रैल को रिलीज़ भी है। तो बहुत अनाउंसमेंट्स होंगे, बहुत पार्टीज़ होंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको फिल्म के बारे में। बड़ी अच्छी फिल्म, सोनाक्षी इज़ ग्रेट, आई थिंक शी इज़ अ सुपर्ब लीडिंग लेडी। कुछ डिस्कशन हुआ था भी आज स्टेज पे कि बहुत से पिक्चर नहीं बनते जहाँ पे फीमेल लीड्स पे लिखा जाता है स्टोरी, और नूर ऐसी फिल्म है जहाँ पे नूर की जो कैरेक्टर है इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस गर्ल, एंड सोनाक्षी इज़ सुपर्ब एज नूर, और मेरा एक छोटा सा किरदार है, आप देखेंगे तो पता लगेगा। जैसे कि माय वैलेंटाइन प्लान्स इज वेल, मुझे नहीं लगता कि एक दिन है कि जहाँ पे आप अपने जो भी लव्ड वंस है को बोलना चाहिए कि आई लव यू, हर दिन बोलना चाहिए। तो फिलहाल मेरे वैलेंटाइन प्लान ये कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, और उसके और येलो फीवर का जो शॉट का अपॉइंटमेंट मिला है मुझे वो 14 तारीख को है, तो सुबह को मैं येलो फीवर शॉट ले रहा हूँ। थैंक यू।